अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पुलिस ने बाइकर्स गिरोह के सरगना को दबोच लिया है। उसके ऊपर 25,000 का इनाम था। कोतवाली फतेहगढ़ में उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा ने पुलिस लाइन सभागार में बताया कि स्वाट टीम प्रभारी कुलदीप दीक्षित, प्रभारी निरीक्षक जांजन लाल सोनकर ने पुलिस फोर्स के साथ सेंट्रल जेल तिराहे से मितोलिया अलीगंज जेटा निवासी श्रीनिवास पुत्र जीवाराम राजपूत को दबोच लिया। आरोपी को बाइकर्स गिरोह का सरगना बताया गया है। उसके ऊपर कोतवाली फतेहगढ़ में अवैध हथियार रखने का मुकदमा भी दर्ज है। आरोपी के ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित था। हमारे यहाँ 60 स्वाट टीम और सरलास टीम में मिलकर के फतेहगढ़ क्षेत्र से यहाँ पर एक कुख्यात राजपूत कुख्यात लुटेरे को पकड़ा है। इसका नाम श्रीनिवास राजपूत है, पुत्र श्री जीवाराम राजपूत, थाना अलीगंज एटा का रहने वाला है। ये 5-6 लोगों का गिरोह था जो घूम कर लूट करते थे। एक दिन में 2-3 लूट 4 लूट का इंतजाम करते थे और उसके बाद कई दिनों तक शांत करते थे। ये उस गैंग का गैंग लीडर है और इसी ने पूरी टीम को बनाया था। इस गैंग के अन्य 3 मुलजिम पहले अरेस्ट हो चुके हैं कायमगंज से। इनके नाम दलवीर, विकास चौहान और भानु प्रताप थे। इनका मोडस ऑपरेंडी आपको पता है, बताया जा चुका था पहले भी कि ये कायमगंज में थाना कायमगंज में किराए का कमरा लेकर के रहते थे। टीम बना करके ये लोग मोबाइल छीन करके और फैक्ट्री में कपड़ा चुरा करके यहाँ से उन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद फरुखाबाद मैनपुरी में इन्होंने अलग अलग जगहों पर टीम बना करके घूमते थे, रेकी करते थे। उसके बाद जो लोग दंपति या बच्चे के साथ घूमते थे उनको अपना आसान टारगेट बना करके उनके ऊपर लूट की घटना का अंजाम देते थे। घटना करने के बाद कुछ समय के बाद ये लोग प्राइवेट नौकरी के बहाने गाजियाबाद भाग जाते थे, वहाँ समय निकालते थे और उसके बाद कुछ समय बाद लौट कर आते थे और इन घटनाओं पर दोबारा अंजाम देते। टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारा ये 25,000 का इनामी था जिसको अरेस्ट किया गया है। ये काफ़ी दिन से वंचित थे, जब से फरुखाबाद कायमगंज में ये लूट खुली थी, खुलासा हुआ था, तब से वंचित थे। इसीलिए इसे 25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया है। ये 25,000 का पुरस्कार सर फरुखाबाद से है या अन्य जनपद से? नहीं, ये फरुखाबाद से है, कायमगंज थाना। और किसी जनपद में इस पे इनाम है? और जनपदों में अभी इसके बारे में उस तरह से नहीं है, यहाँ पर जो है हमने इसको इनाम घोषित किया। इतनी घटनाओं की ये जितनी भी घटनाएं पिछले वाले में कायमगंज में दलवीर, विकास चौहान और भानु प्रताप थे, उन सभी घटनाओं में सम्मिलित था। टोटल 9 घटनाएं जो थी उन सभी में शामिल था, उन्हीं में ये वांछित भी था, उन्हीं उसी में इसके ऊपर 25,000 का पुरस्कार। ज्यादातर घटनाएं फरुखाबाद में, कुल मिलाकर 9 घटनाएं, ज्यादातर घटनाएं फरुखाबाद, एटा, मैनपुरी और कन्नौज में। फरुखाबाद की अधिकतर घटनाएं, बाकी एटा, मैनपुरी और कन्नौज। हर न्यूज के लिए फरुखाबाद से तौफीक फारूकी की रिपोर्ट।